वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अच्छा मैंने स्कर्ट पहना है यहाँ पे, वही आपको दिखा रही है। तो आज है सावित्री, सुबह का टाइम है, 10 बजा हुआ है। पूजा अभी नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे, अदरवाइज मेरे सारे प्रिपरेशन तो मैंने कर लिए हैं यहाँ पे। तो जितने भी तैयारियाँ, क्या बोलते हैं, सावित्री की तैयारियाँ, यहाँ पे ये हल्दी बना के आंवला मैंने सुबह उठ के इसको भिगो दिया था। आंवला को भी मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब पेस्ट बना लिया है। ये क्या कर रही हो बेबी तुम, सिर पे ऐसा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अच्छा, तो वहां पे ये सारा सिलबट्टा सारा दिया, बस उसको सब रख दिया यहाँ पे। जो पूजा का बुक है, प्रसाद वगैरह सारा कुछ हो गया है, कपड़ा वहां पे, चुन्नी भगवान का सब कुछ, बस बिठाना है। तो जब चेंज करूंगी ना साड़ी तब करूंगी। अभी इतने सुबह से साड़ी पहन के रहना, क्योंकि लंच डिनर भी मैंने इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया है लोगों को, लंच भी बना रही हूँ, एंड ये अभी जाके ये भी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत लंच बना रहे हैं। तो क्योंकि अभी इतना सारा कुछ में ना हड़बड़ी हो जाएगी फिर, तो फूल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेट्स सी, पूजा तक भगवान ने चाहा तो शायद हमें फूल मिल जाएगा, अगर भगवान को फूल दिलाना होगा, फूल दिलाना होगा ना, तो फिर मिल जाएगा। क्योंकि अभी अभी यहाँ पे लॉकडाउन खुला है ना, कल से तो ओपन हुआ है सारी चीजें, एंड यहाँ पे ना मिल रहे थे, पता है कल मैं जब गई थी बाहर, मैंने देखा यहाँ पे सारे फूल वगैरह सब कुछ आ गया था, बैठ के वो लोग बेच रहे थे। तो मुझे लगा, मैं उनको बता रही थी कि यार फूल वगैरह सब कुछ आ गए हैं, अभी मिल रहा है, तो फिर आई थिंक कल पूजा के लिए मिलेगा फूल अच्छे से। तो फिर ये सोच के मैंने कल लेकर नहीं आई पूजा, हाँ दिखाई, तो फिर मैंने ये सोच के मैं कल लेकर नहीं आई, तो फिर आज फिर नहीं मिला, तो यहाँ पे बैठे नहीं है वो लोग, आज सुबह गए थे। लेट्स सी, देखो क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद ये जाएंगे, थोड़ा आगे अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर देखते हैं जैसे जैसे होगा, पूजा भगवान ने चाहा वैसा वैसा होगा। रुक जा मामा, तो इसमें वट सावित्री भी बहुत लोगों का होता है, लेकिन वहाँ पे ना वो लोग नहीं लगाओ बेबी, अभी रख दे, रख ही देना पापा, मत करो। तो फिर वट सावित्री भी बहुत लोगों का है, तो फिर वो लोग भी कर, हमारी सावित्री पूजा थोड़ी सी अलग होती है। तुम रेडी है जाना? हाँ, तो हमारी मुकोहिली चावड़ा पकेवा ने गोपालिया धरिया से जा, तो हमारी सावित्री थोड़ी अलग होती है, एंड वट सावित्री भी है वो थोड़ी सी अलग होती है। वट जो पौधा एक रख के वो लोग पूजा करते हैं, तो फिर पेड़ के साथ पूजा करते ना सारे ही, तो एक ही मोटिव तो एक ही है ना सभी लोगों का पूजा का। तो फिर आप सबको हैप्पी सावित्री, अच्छे से हो एंड तैयार कैसे हुए हो, मेरे को सब कुछ भेजना अगर, हाँ अगर होता है तो इंस्टाग्राम पे। तो फिर चलिए मैं खुद रेडी होती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। अभी बीच में मुझे थोड़ा सा आधा एक घंटे अलग से कुछ काम है, तो पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी, एंड कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मैं हो गई हूँ तैयार, एंड यहाँ पे ये हो गई तैयार, हम दोनों ने फिर से मरून मरून करा हुआ है इसको, तो अभी मैं बिठाऊंगी। पूजा मैंने बिठाया नहीं है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है मुझे। एंड ये क्या कर रही हो बेबी, मम्मा कैसी लग रही है बताओ, अच्छी लग रही है? चलो फिर पूजा बिठाते हैं, फिर हम लोग बातें करते हैं। सोचा था कुछ आप लोग में से बहुत लोग बोलोगे मोना कोई हेयर स्टाइल बना दो यार, पता है कभी कभी हम लोग इधर, मैंने भी सोचा हुआ था, साइड में बर्तन दिख रहा है। हाँ ओके, स्टार्ट करो, फिर बाद में बातें करते हैं हम लोग, ठीक है? चलो पूजा की तैयारी। ये भी पहिए पढ़ने लगी है अभी से, सावित्री करने लगे, क्यों माई पागल। पूजा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी, यहाँ पे मेरे पास कोई बड़े नहीं है यहाँ पे, तो अगर कुछ भी गलती हो जाती है पूजा में तो प्लीज़ माफ़ करना, कमेंट में मेरे पे गुस्सा मत करना, एंड मैं जैसे कर रही हूँ मैं वैसे ही व्लॉग दिखा रही हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे को पूजा का व्लॉग दिखाने में थोड़ी सी डर लग जाती है अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होते हैं, वो लोग शायद देखते तो उनको थोड़ी बहुत भूल चूक जब नज़र आते ना, तो वो लोग मेरे पे गुस्सा कर लेते कमेंट में कि गलतियाँ क्यों दिखा रही हो सब लोगों को। तो मेरे पास क्योंकि कोई बड़े नहीं है ना, तो जैसे मेरे को पता है, जैसे मैंने उन लोगों से सुन के जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे फोटो रख के भी करते हैं, तो मुझे लगा था मेरे पास पहले ऐसा सिलबट्टा छोटा सा नहीं होता था, तो मैं फ़ोटो रख के करती थी, लेकिन फिर बाद में ना मुझे ऐसे छोटा सा मिला तो मैं उसको रख के करती हूँ, या तो फिर बहुत लोग ना फोटो रख के भी आप लोग कर सकते हो। हल्दी से ना इसको ऐसे लगाते हैं, जैसे भगवान की मूर्त को ऐसे बनाते हैं उनका, फिर आँख उनके लिए जैसे श्रृंगार करते हैं ना, तो वैसे करा जाता है।
तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछो मेरे को अच्छा लगता है तो वो सावित्री होती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही खुश हो जाती हूँ मैं इसको करते करते। तो यहाँ पे ना एक तो लॉकडाउन के चलते मेरे को लग रहा था बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, पर मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि भगवान अगर चाहेंगे कि उनको फूल चाहिए आज, तो फिर वो मुझे कैसे भी मिल जाएगा। तो देखो सुबह 10 बजे तक मेरे पास फूल नहीं थे, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा गए थे काम से, तो फिर हमको मिल गया यहाँ पे फूल। थोड़ा दूर जाना पड़ा था लेकिन मिल गया था। फूल के लिए नहीं गए थे, दूसरे काम के लिए गए थे, बट मिल जरूर गया था। यही होता है कि भगवान जो करवाना होता है ना वो करवा ही देते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे ना ऐसे बोलते हैं ना कि आप लोग जैसे फोटो रख के पूजा करते हो, तो हम लोग ऐसे मुहूर्त बनाते हैं यहाँ पे। पहले मैंने इस जगह को पोछा लगा दिया था, फिर यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ खाना बना के इसमें पूजा नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही होता है। बहुत सारे जगहों में ना थोड़ी सी अलग भी होती है, उड़ीसा में भी ना अलग अलग जैसे डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है कि आप लोग के यहाँ पे ऐसे ही करते हो आप लोग, या फिर आप लोग थोड़ा सा अलग करते हो, मुझे बताना। एंड आप लोगों की कैसे गई सावित्री? आई होप जितने भी सारे हैं जिन्होंने भी सावित्री करे भगवान करे आप सब हमेशा ऐसे ही सावित्री बनाओ। बट सावित्री की भी पूजा थी यहाँ पे कल ना, बहुत सारे जगहों पे थी, एंड हमारे यहाँ पे तो सावित्री थी ऐसा। तो ऐसे ना सिंगार आँख उनका बनाना, उनके होंठ बनाना, फिर उनको बहुत सारे लोग ना बहुत तरीके से सजाते हैं, कपड़े पहनाना, दागीने पहनाना, बहुत सारे होते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरी पूजा आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आप लोग शेयर करना। तो जैसे पूजा के बाद पैर छूनी होती है ना, तो इनको मैं अगर कभी भी ऐसे कुछ करती हूँ ना पैर छूना, तो इनको इतनी शर्म आ जाती है, हंसी आ जाती है ना उस वक्त, उस मोमेंट को उतना जोक मार लेते हैं ना यहाँ पे शुरू हो जाते हैं वो। तो हमेशा हर बार ही ऐसा होता है, एंड कितनों के साथ कितनों के हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है बताना, जब भी पैर छूना होता है मतलब ये बोलने लग जाते हैं कि तुम बाकी दिनों में कैसे हो एंड आज कैसी हो देख लो। तो ये कॉमेडी वाली हो जाती है, बट चलो कोई ना, ऐसे ही हो लाइफ हमेशा। कल के बाद मैं अब जाके आपसे बात कर रही हूँ, एंड कल ये अभी टाइम हो रहा है 11:30, मतलब लंच बना बना के मैं बात कर रही थी, कुछ नहीं सिंपल सा ही आज का लंच है। एंड कल ये मैंने ड्रेस था ना, ये मैंने पूजा करा हुआ था कल, मैंने उसके बाद कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, उतने में उस ब्लॉग को रख दिया था, और कुछ अभी एंड करने का भी नहीं सोचा का था, कुछ भी नहीं था। तो फोटोज़ वगैरह बस रात को इंस्टाग्राम में पोस्ट करे हुए थे। कल तो कुछ खाना नहीं था, बनाना भी कुछ इतना नहीं था कि क्या फिर बनाओ, तो इसी के लिए मैंने रख दिया। फिर आज सुबह तो ये कल मैंने पूजा करा था, तो ये जो ड्रेस था ना, एक बार मैंने पूजा के बाद ना ऐसा पहनना होता है, तो मैंने बस पहन के रख दिया था, तो आज मैंने पहना हुआ है इसको। बहुत अच्छा है, पूरा प्योर कॉटन है ये, जिसको इसे क्या बोलते हैं यार, चौक प्रिंट ऐसा कुछ बोलते हैं ना इसका, फिर इक्कट प्रिंट बोलते, क्या कुछ तो प्रिंट बोलते हैं इस डिज़ाइन को, तो बहुत अच्छा है। मेरे को पता नहीं था इतना अच्छा लगेगा, एंड ये मीशो से, लेकिन अभी मैंने ऑर्डर नहीं करा, अभी मीशो का कुछ नहीं आता, अगर अभी मैं ऑर्डर करूँ तो नेक्स्ट मंथ 20-22 को आ रहा है यहाँ पे डिलीवर, मीशो का हो रहा है। तो ये मैं पहले ही ऑर्डर करा हुआ था, बस मैं किसी हॉल में मैंने शेयर नहीं कर पाई थी तो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये पहन लेते, इसको पूजा कर लेते, तो ये मैंने करा। एंड एक साड़ी में, एक तो नॉर्मली साड़ी पूजा करा जाता है, तो साड़ी भी करा था, एंड ये था तो मैंने ये कर लिया, ये सिंदूर लोटस का, किसी ने ये मैंने पकड़ के इसी के लिए बैठी हूँ दिखाने के लिए, किसी ने मेरे को पूछा था कौन सा सिंदूर आप लगाती हो, जो लिक्विड सिंदूर है। नॉर्मली ना मैं पाउडर सिंदूर ही लगाती हूँ हमेशा, मुझे अच्छा लगता है, ये मैं हमेशा उधर से ही लेकर आती हूँ उड़ीसा से, क्योंकि वहाँ पे जो रेड कलर नहीं होता एकदम से जो डार्क रेड, वैसा ये वाला रेड उस तरीके का वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे वो उस तरीके का रेड कलर ढूंढना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड कलर बार का मैंने लगाया है लिक्विड सिंदूर, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा करना था ना तो मैंने ये वाला मंगवाया था, ये भी अच्छा ही है, रेड कलर ही है इसका, तो इसका ये भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो अगर किसी को लेना हो ना तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ऐसे आएगा, पूरा डार्क रेड में आता है, तो कि कोई क्या मरून भी लगाते हैं ना पसंद आता है, लेकिन मेरे को ऐसे डार्क रेड अच्छा लगता है, तो ये डार्क रेड है। लोटस का है, 200 के रेंज में ही आ जाता है, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है।
एक और चीज, साड़ी तो ये है मेरी साड़ी, एक और जो मैंने पूजा करा था, एंड ये इसको मैं अभी नहीं पहनूंगी, पूजा करके बस रख दूंगी इसको, बाद में फिर कभी देखते हैं। इसका सिल्क वाला है, थोड़ा सा ब्लेंड सिल्क ब्लेंड का है ये, एंड कलर भी अच्छा है, ब्लू में गोल्डन। इसका पल्ला कहाँ पे आ, चल अभी खोलूंगी ना, फिर मेरे को तह लगानी पड़ेगी यार। मैंने आज सुबह इतने कपड़े को तह लगाया मैंने बैठ के, तो आई थिंक ये इसका आंचल ये नहीं है, कोई और होगा, मेरे को नहीं मिल रहा है। छोड़ो, प्लेन ब्लू कलर का इसका ब्लाउज है सिल्क का, एंड साड़ी इसका गोल्डन ब्लू में है। पहनूंगी ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा। इसका अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, एंड पर ये कॉटन का है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर इसको मैं, एंड आप लोगों का सावित्री कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आज के ब्लॉग में कोई चाहते हैं कि मैं कोई रेसिपी दिखाऊं, कुछ करूं, तो नहीं भाई सावित्री में कोई रेसिपी वेसिपी कुछ खाने का नहीं बनता। हमारे जो हम लोग मूंग नहीं भिगो के रखते पूजा करते उसी को खाना होता है, एंड फ्रूट्स जूस वगैरह यही सब हम लोग खाते हैं सुबह भी पूजा के बाद, एंड रात को भी यही कुछ खाना बना के नहीं होता। फिर आज सुबह जाकर मैंने ब्रेकफास्ट बनाकर खाई थी, उतने में कैमरा लगाओ रिकॉर्ड करो फिर ताकत नहीं होती है फिर मेरी। और तो फिर चलिए इस ब्लॉग को यही पेंड करती हूँ। जितने भी उड़ीसा के थे सब लोगों ने, अभी सावित्री तो चली गई है बट स्टिल फिर भी आप सबको हैप्पी सावित्री, भगवान करे आप सब ऐसी हर साल सावित्री मनाते रहो। एंड वट सावित्री भी बहुत लोगों का था, तो कल मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मेरे को पता चला कि बहुत सारे लोगों का वट सावित्री भी है। तो फिर एंड मैंने इसका ये ईयरिंग्स मैंने निकाले, क्योंकि मेरे ना कान में बहुत पेन हो जाते हैं अगर मैं सोने का पहन लेती हूँ ना, तो बहुत अभी तो टच भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, बहुत पेन होती है मेरे को, पता नहीं क्यों होती है बट हो जाती है, बहुत पेन होती है। अगर मैंने एक दो रात मैंने पहन लिया इसको तो फिर बस हो गया मेरा कल्याण, यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर चलिए इसको यही पेंड करती हूँ ब्लॉग को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा ही ब्लॉग था, मैं बहुत ज़्यादा लास्टर की तरह इतनी एक्सटेंड करके नहीं बना पाई, मुझे पता है, बट कोई ना, चलो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो आप लोग भी। एंड मिलते एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।